गैराज है, मैंने रुस्तम एलिमेंट में 60 लाख रुपीस भरा हुआ है। मैं 11 साल से परेशान हूँ, मैं खुद रेंट पे रह रही हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पर कुछ बोलना चाहिए, हमारे लिए कुछ उनको करना चाहिए। कितना आपने वहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किया? मैंने 60 लाख से मैंने 60 लाख भरा है और मैं 11 साल से परेशान हूँ और मैं खुद रेंट पे रह रही हूँ। मैं खुद परेशान हूँ, हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, लेकिन हमारी मुख्यमंत्री साहब हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। 11 साल से हम लोग परेशान हैं। किस तरीके से यहाँ पर जो है माड़ा की तरफ से आप लोगों को आश्वासन दिया गया और लोगों की बात कितनी सुनी गई है? देखिए, डीएन नगर का जो रुस्तम जी एलिमेंट प्रोजेक्ट के ये सब इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने करोड़ों रुपया रुस्तम जी डेवलपर के इस प्रोजेक्ट में डाला हुआ है। और आप लोगों को पता होगा कि आज हियरिंग में मुख्य तौर से सभी सोसाइटी इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था और 8 तारीख को फाइनल रखा है उन्होंने, मतलब 8 जुलाई को फाइनल हियरिंग इसका हो जाएगा। इस बीच में आप लोग जानते हैं कि असेंबली में भी रुस्तम जी एलिमेंट इस प्रोजेक्ट के बारे में कांग्रेस के विधायकों ने, एनसीपी के विधायकों ने आवाज़ उठाया था। नसीम खान जी हो, जयंत पाटिल जी हो, और सभी ने एक ही कहा कि इस रुस्तम जी एलिमेंट प्रोजेक्ट में घोटाला हुआ है, रुस्तम जी को अरेस्ट करना चाहिए और ये जो इन्वेस्टर है जिसने पैसे इसमें डुबाया है अपना, उनको व उनका हक का घर उस प्रोजेक्ट में मिलना चाहिए। दूसरी बात जो ओपन स्पेस का है, आरजी का मामला है, रुस्तम जी एलिमेंट प्रोजेक्ट में इल्लीगली आरजी को पोडियम पे लेके गया है और उसको पर्सनल स्पेस करके यूज़ कर रहा है, जबकि वो जो स्पेस है पूरा डीएन नगर एरिया का है। और मेरा ये मांग है कि असेंबली में जब ये मुद्दा उठाया, सारे विधायकों ने ये कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था करीबन 1 साल पहले कि ये इन्वेस्टर्स के ऊपर न्याय किया जाएगा और इसका जल्द निर्णय होगा, बट 1 साल के बाद भी वहाँ का वहाँ ये इन्वेस्टिगेशन है। मुंबई पुलिस पूरा का पूरा रुस्तम जी को मदद करने के इरादे में बैठी हुई है, कोर्ट में भी फॉल्स स्टेटमेंट दे रही है। उनको इन्वेस्टर का बाजू रखना चाहिए, जो लोगों का पैसा इस प्रोजेक्ट में गया उनको सेफ्टी देना चाहिए। और मेरा ये मांग है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से कि वो सामने आए और खड़े रहे ये इन्वेस्टर के बीच में। अभी तो आपके असेंबली में भी उठा है मामला, तो आपको अपना छवि आप साफ बताते तो आपको आना चाहिए और आपको ये बताना चाहिए क्या आप ये इन्वेस्टर्स के साथ है या ये अरबपति रुस्तम जी डेवलपर के साथ। माड़ा की तरफ से क्या हो गया? माड़ा का हियरिंग चालू है, इन्वेस्टर्स ने, सोसाइटी ने अपना पक्ष रखा है और 8 तारीख को फाइनल डिसीजन इसके ऊपर होने वाला है। मुझे न्याय देना है ये लोगों को, मगर मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अगर अपना सभी साफ रखना चाहते हैं, आगे उनको चुनाव भी जाना है, लोग पूरे महाराष्ट्र के लोग ये देख रहे कि किस तरह इन्वेस्टर से करोड़ों रुपया लूटा जा रहा है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और मुंबई पुलिस इस पर चुप्पी साधे बैठे। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि माड़ा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामा मिटकर जी इसमें मेन आरोपी है, तो हमने हियरिंग में मांग किया है कि रामा मिटकर जी को अगले हियरिंग में आना पड़ेगा और लोगों को जवाब देना पड़ेगा।